अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ पाकिस्तान। लास्ट टाइम जो मेरी ट्रिप हुई थी पाकिस्तान की, वो हुई थी 2019 में। उसके बाद कोविड आ गया, कोविड के बाद कुछ इश्यूज आ गए, तो सारा कुछ सेटल करने के बाद आज मैं फाइनली जा रहा हूँ पाकिस्तान। अब आप लोगों से मुलाकात होगी पाकिस्तान में। चलें, अभी मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट की तरफ। जाने से पहले एक दोस्त को उठाना है, फिर खाना खाना है, फिर एयरपोर्ट पर जाना है पाकिस्तान की डिटेल, वहाँ पर जाकर आपसे शेयर करना है। अरे, दूसरा बंदा आ गया, मेहरबानी इसके पासपोर्ट के आ गया। ऐसे मुझे इस टाइम की फ़्लाइट पसंद नहीं, तकरीबन 12 बजे के करीब है दोपहर के, लेकिन पासपोर्ट के निकलना पड़ रहा है। नींद भी मेरी पूरी नहीं, 3-4 घंटे सोया हूँ। एनीवे, सबसे पहले हम जाएंगे एयरपोर्ट और वहाँ पे चेकिंग करके वहीं से खाना खाएंगे। पहले खाने का रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि वीकेंड है, तो हो सकता है काफ़ी जगह पर ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो। तो हम प्लान यही है, पहले एयरपोर्ट बाकी काम। अच्छा, तो आज मैं वायरलेस माइक यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि नॉर्मली जो मैं करता हूँ ट्रैवलिंग का व्लॉग, मैंने कहा जस्ट फ़ोन पकड़ लूँगा कहीं पे भी, क्योंकि काफ़ी कुछ करने वाला होता है और सामान भी मेरा जैसे पाकिस्तानियों को होता है 2-3, तो एक छोटा भी है, पता नहीं कितना लोग करते हैं कितना नहीं है। वैसे पूरे लेकिन चीज़ें मेरे हद से ज़्यादा हो गई हैं, कुछ ट्राईपॉड है, कुछ ये भी पड़ा हुआ है, कैरी किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि, उम्मीद है कि कोई मसला नहीं होगा। पहले चेकिंग करते हैं, चेकिंग करके पहले फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे। तो जी, बोर्डिंग हो गई, सामान शमान डन। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे मुझे एक ना PIA के स्टाफ का बंदा मिल गया, तो उसको मैंने कहा यार ये एक मेरा जो बॉक्स है इसमें फिशिंग रॉड है, स्टैंड है, ये तो करवा दो अपने नाम पर। उसने वो भी करवा दिया, तो वो भी मेरा मसल 40 kg था, 36 हुआ। उसके बाद हैंड केयर वगैरह उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ठीक है जाओ, तो ये मसला सारा हल हो गया। अभी टाइम हुआ तकरीबन अभी 1.5 घंटा है, 1.5 घंटे में अब आराम सुकून से हम खाने पी गए, खाने पीने का कुछ करते हैं, फिर उसके बाद हम बॉडी इमिग्रेशन से क्लियरेंस की तरफ निकल जाएंगे। ज़्यादा रश नहीं है, तो उम्मीद है कि बचत हो ही जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, वो नॉर्मली वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है। मैं कुछ लोगों को छोड़ने आया, हर दफ़ा रश मिला मुझे, लेकिन आज रश नहीं है, तो बचत हो। मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ मैकडोनल्ड KFC का, लेकिन अभी मजबूरी है तो अभी हमें मैकडोनल्ड खाना पड़ेगा। काफ़ी छोटी मोटी क्यू भी है, खैर नेक्स्ट टर्न मेरी है तो फिर ऑर्डर करता हूँ। जी, ये आ गया हमारा मैकडोनल्ड, जो कि मुझे वैसे मैं इसका बायकॉट किया था, लेकिन अभी मुझे खाना पड़ा मजबूरी में। चलें ये खा के फिर हम मिलते हैं बाद में। चलो जी, अभी चलते हैं इमिग्रेशन काउंटर पर। काफ़ी ज़्यादा रश हो गया है, इससे पहले बहुत खाली था, लेकिन मेरे यहाँ से मैंने काफ़ी जल्द लेट कर दिया है। एनीवे चलो जी, इमिग्रेशन से भी क्लियरेंस मिल गई। अब मेरा गेट नंबर है CC, मुझे ढूंढना है C किस तरफ है, वो उस तरफ C14 गेट को ढूंढते हैं, गेट की तरफ चलते हैं। रोड ट्रिप टू द प्लेन, ये का जहाज नज़र आ गया और ये मेरा बैग चल रहा है साथ साथ। Let's go. तो जी, सारा कुछ बोर्डिंग वगैरह अब हो गई, डन होगी। पता नहीं मेरे बोर्डिंग पर आपसे कुछ मसला आया था, उसने स्कैन किया 2-3 दफ़ा, उसमें कह रहा है बोर्डिंग ऑलरेडी होगी, कहता पहले आएगा। मैंने कहा नहीं, मैं तो अभी बोर्डिंग पास लेके आ रहा हूँ। खैर उसने कहा चलें ठीक है, ज़्यादा मसला नहीं किया यहाँ पर, ज़्यादा मसला नहीं करते हेल्पफुल है, तो वो क्लियर हो गया। फिर आ गया, फिर आके मैंने कहा उस बंदे को ढूंढूँ कि जिसने मेरा बैग बुक किया अपने नाम पर, उससे टिकट तो ले लूँ, एटलीस्ट टिकट नहीं तो उसका नंबर तो ले लूँ, कि सामान आके पीछे तो बंदा कॉन्टेक्ट कर सके। तो फिर वो मुझे टिकट दे रहा था, तो मैंने कहा चलिए टिकट लेने दो, तो मुझे बस वो दे दें अपना नंबर दे दें। तो मैंने कहा मतलब PIA में, कहते नहीं मेरे अबू PIA में और हमें फ्री टिकट मिलती है। मैं मज़े ने ताडे भाजी सानू तो लेनी पैंती। चलो खैर, अब सारा कुछ रेडी हो गया, सारा कुछ क्लियर हो गया, बस अब तकरीबन 45 मिनट तक फ्लाइट का टाइम है। तो फिर अभी मैं इससे पता अगले 15-20 मिनट में हम अंदर होंगे प्लेन के, वहाँ से फिर हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। Time to go in. तो जी, सारा कुछ हो गया, अब बस फ्लाइट का वेट है, तकरीबन 10 मिनट के अंदर फ्लाइट करेगी। सामान वगैरह सारा फिट हो गया। नॉर्मली ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ है कि मुझे विंडो सीट नहीं मिली, फर्स्ट टाइम। एनीवे चलें, मुलाकात होती लंच पे।
खाना शेयर करूँगा क्या देते हैं खाने। अभी तो सो के उठ गया, एक घंटा हो गया ऑलमोस्ट फ्लाई करते हुए, खाना आ गया, हम आपको खाना दिखा दें। ये खाना बन, चिकन, राइस, दाल है शायद आगे, सैलड है, कुछ मीठे में है इसमें, कॉफ़ी बाद में, और बटर, पानी। अभी खाना ख़त्म, ज़बरदस्त खाना है। अब मैं पी आई का जो रिव्यू है मैं आपको सब कुछ आके बाद में दूंगा, ठीक है। मैं ये प्लेन से उतर के आपको टोटल ओवरऑल अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा पी आई का। फिलहाल ये खाना ख़त्म हो गया, बाद में चाय की बारी और बाद में देखते हैं। सीट पे बैठा हुआ था, ठीक है, लेकिन अभी भाई बैठे हैं, उनको बातें करने के लिए मैंने उधर से बुलाया, अंकल थे यहाँ पे, अंकल आंटी बैठी तो वो आगे चले गए। ये मैं पी आई का बताता हूँ, वैसे स्टाफ की सर्विस अच्छी है लेकिन ये सीट का हाल देखेंगे, उसको खोलता ही थे। हेलो, अब मुझे डर है यहाँ से अभी कुछ कॉकरोच, खटमल, कुछ भी बाहर आ सकता है, उसको बंद ही कर दो। तो ये कि जहाज़ की जो हालत है ना वो ज़रा नाजुक सी है, ठीक है, लेकिन स्टाफ का एटीट्यूड ओवरऑल वो काफ़ी बेहतर है सर्विस के मामले में, वो मसलन लग रहा है कि वो अच्छी तरह सर्विस करना चाहते हैं, लेकिन जहाज़ की जो हालत है ना वो ज़रा उसका कलर देख रहे हैं, लगता तो होती नहीं है कितने साल तो। ये देखें ये ड्रोनी ड्रोनी आवाज़ें आ रही हैं लैंड होते हुए, पता नहीं इसका हंसना चाहिए कि रोना चाहिए। आप लैंडिंग चेक करें ऐसे राजा बस है ना वैसे यार, पता नहीं क्या बनी, चले शुक्र है सेफ लैंडिंग हो गई है। फाइनली सेफ लैंडिंग, और धूप है, बाहर टेम्परेचर सुना है कुछ 36 चल रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अभी मैं जा रहा हूँ बाहर की तरफ, वहाँ से जाकर सामान लेना है और फिर उससे देखना है यहाँ पे फ्री वाईफाई मिलता है कि नहीं, फिर घर वालों से कॉन्टेक्ट करना है ताकि उठा कर ले जाएँ। तो जी हम आ गए हैं लाहौर, और ये चाचू की गुड़िया ज़रवा और चाचू, अब चाचू की गुड़िया और चाचू जाएंगे सियालकोट, सियालकोट जाना ना आप, सियालकोट रहती हो, ठीक है। ये मेरी भतीजी है, इसको मैं फर्स्ट टाइम मिला हूँ, तो ये मेरा सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी, तो अभी हम जाएंगे सियालकोट, चलें फिर मिलेंगे सियालकोट। थैंक यू, बैटरी भी लोगी। पाकिस्तान में मेरी पहली सुबह वापस आने के बाद, और हाँ पी आई का सफ़र अच्छा था, स्टाफ अच्छा था, पी आई के जहाज़ की हालत थोड़ा बुरी थी, वीडियो में आपने देखा ही होगा, बाकी ये कि बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, टाइम से पहुँच गए सबसे बड़ी बात, और फिर घर भी आ गए तो घर आ सब अच्छा। अभी यही कि अपनी मेरी आज पहली सुबह, अभी मैं उठा मोश हूँ, कुछ भी नहीं धोया क्योंकि मैं जा रहा हूँ बाहर घूमने, और ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, फिर नया शुरू ब्लॉग शुरू करेंगे एक दो दिन में, मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए।